पिछले 70 दिन को समथिंग मैं जिस कार्य में लगा हुआ था, सेवा के कार्य में जो मजदूर पलायन कर रहे थे उनके कामों में लगा हुआ था, लेकिन पिछले 8 दिनों से जो मैंने देखा कि किसानों की जो बदतर से बदतर हालत हो गई है, मैं उन किसानों की व्यवस्था में जब मैं लगा हुआ 4-5 दिन से सलंग उनको खाना पानी नाश्ता मैं एक संस्थान पर पहुँचा सका, लेकिन जब मैंने उसमें हकीकत देखा, हकीकत में तो उनके साथ छलावा हो रहा है। ये छलावा कैसा हो रहा है, जिस गोडाउन के अंदर 100 बोरी की क्षमता है वहाँ पर 1000 बोरी किसानों के लिए 1000 बोरी के लिए आप मैसेज कर रहे हैं, और उसके बाद 8-8 दिन तक वो किसान वहाँ खड़ा है, 8 दिन बाद आप उसको कह रहे हैं कि आप उस स्थान पे जाइए, वहाँ लाइन लगाइए। ना टोकन, कोई टोकन की व्यवस्था है, ना कोई प्रशासन के लोग हैं, वो सोसाइटी के माध्यम से उनके सुप्रति करके छोड़ दिया, पहली चीज़। दूसरी बात, अभी हृदय विदारक घटना हम लोगों के बीच में घटी है, किसान यहाँ सिया में एक साइलो पर 4-5 दिन से वहाँ वो तड़पना, वहाँ ट्राली पे रास्ता देख कर उसके आटे का आ जाता है, हृदय गति रुक जाती है, मर जाता है। क्या ये संवेदना है हमारी बची हुई, हम कहाँ जा रहे हैं? हम एक तरफ कह रहे हैं कि हम दाना खरीदते हैं, आप ये बताइए पूरे देवास भर के अंदर कितनी सोसाइटियाँ हैं? आज अगर कोई व्यापारी अगर तुलाई करता है तो सुबह से लेकर शाम तक 1000 ट्रक की तुलाई हो जाती है। आज किसानों के साथ पूरे देवास में अगर आप जानकारी लेंगे तो 100 से 150 ट्राली सारी मिला के, तो आप चाह कर क्या रहे? आप टाइम बर्बाद करना चाह रहे हैं, आप उस किसान को मजबूर करना चाह रहे हैं कि 8-10 दिन यहाँ रास्ता देख और फिर जाके सस्ते दाम में मंडी में बेच, ये सीधा सीधा आपका फंडा है। आप आपके प्रशासन स्तर पे आपकी क्या तैयारी है? आप कितने लोगों को मैसेज कर रहे हैं आज रोज़, मैसेज कितने लोगों को करते हैं, क्या तैयारी किस प्रकार से तुलाई कर रहे हैं? ये इन विरोध को लेके मैं आज बैठा हूँ, और 2 दिन का मैं अल्टीमेटम मैंने आज कलेक्टर महोदय से मैं निवेदन करता हूँ, 2 दिन में अगर इस व्यवस्था नहीं सुधरी, लोगों के लिए पानी पीने का पानी नहीं है, 2000 ट्राली खड़ी है, पीने का टैंकर का पानी नहीं है। आप एक घटना तो हम जाके SDM को लेकर गए, हमने बोला कि काटा बड़ा तो चालू कराइए, बोला हम हाँ आज करवाते हैं कल करवाते, जब बात वो अंदर नहीं करवाया, फिर जाके बात कर सुनने में ही तो ये बात सुनने में कि ये वेयर हाउस की सीमा इसमें सिर्फ 500 क्विंटल की है और हमको 2 दिन बाद तुलई बंद करना है, इसके लिए हम बड़ा काटा नहीं चलाएंगे, तो 2 दिन रास्ता किसके लिए दिखा रहे हो आप? आपकी मानसिकता गलत है, आपके मन में पाप है, आप किसान को भटकाना चाहते हो, आप किसान का गेहूँ नहीं खरीदना चाहते हो। इन बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आज धरने पर बैठा हूँ और प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि 2 दिन में अगर व्यवस्था आपने नहीं सुधारी तो मैं नेतृत्व में अपने जिम्मेदारी में लेता हूँ इस बात की कि मैं देवास के चारों दिशा में चारों रोड किसानों के साथ उतर कर रोड जाम करूँगा। MP की नब्ज, MP का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर MP न्यूज TV के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल MP न्यूज TV। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।